पूरे देश में लगातार एनआरसी और सीएए बिल को लेकर के आंदोलन जारी है। इसी बीच बेगूसराय के पोखरिया नवाब चौक पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसमें अब छात्राएं भी मैदान में उतरती नजर आ रही हैं और मोदी सरकार के द्वारा जारी किए गए इस बिल पर जमकर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि इस अनिश्चितकालीन धरने में मुस्लिम समुदाय की एक बहुत बड़ी संख्या शामिल है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ हर उम्र के लोग शामिल हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा है कि एनआरसी और सीएए बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया यह खास समुदायों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो बिल लाया जा रहा है वह गैर संवैधानिक है और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीपीआई के राजेश कुमार ने एनआरसी और एनपीआर को नया नाम देते हुए इस मोदी सरकार का तुगलकी फरमान बताया है। पैसा पैसा होता है, खाने का तो पैसा नहीं होता है, ये सर्टिफिकेट वो कहाँ से बना पाएंगे? और ये बिल पे बिल लाया जा रहा है, ये चीज सही नहीं है। मोदी जी और अमित शाह की वजह से हम लोगों को रात दिन रोड पे उतरना पड़ रहा है। हमारी एग्जाम भी है, फिर भी हम छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। बोले थे अच्छे दिन आएंगे, यहाँ अच्छे दिन नहीं, यहाँ पे और बदतर दिन आ रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रही है, एक दूसरे के लिए हम भगदड़ मचवाना चाह रहे हैं। अरे मोदी साहब को उतनी औकात नहीं है जो हम लोगों को पैसे दे के खरीद सके, उनके पैसे भी कम पड़ जाएंगे हम लोग खरीदने के, क्योंकि हम लोगों के सामने पैसे की मोल नहीं है। देश में गुंडों का राज स्थापित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी मंशा साफ है, वो देश को विभाजनकारी नीति की ओर ढकेलना चाहते हैं। ये जो एनआरसी है, एनआरसी का मतलब है नरेंद्र मोदी रिएक्शनरी कॉन्सेप्ट, ये जो है नरेंद्र मोदी का उन्मादी विचार है। ये जो एनपीआर है ये नरेंद्र मोदी पर्सनल रजिस्टर है। हम एनआरसी एनपीआर